आगामी लोकसभा चुनाव से पूर्व देश के तीन बड़े हिंदी सूबों में कांग्रेस को मिली पराजय ने इंडिया गठबंधन में खलबली मचा दी। यह इसी खलबली का आलम है कि आज दिल्ली के अशोक होटल में सभी विपक्षी दलों के नेता जुटे, जिसमें से कुछ कल ही दिल्ली पहुंच चुके थे तो वहीं कुछ आज सुबह ही पहुंचे। सभी नेता पहुंच चुके हैं, बैठक शुरू हो चुकी है। बता दें कि यह बैठक की शुरुआत सबसे पहले आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन से शुरू की। उधर बैठक में राजद प्रमुख लालू यादव, ममता बनर्जी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव कल शाम को ही दिल्ली पहुंच चुके थे। ध्यान दे, तीन राज्यों में मिली हार के बाद इंडिया गठबंधन ने 6 दिसंबर को बैठक बुलाने का फैसला किया था, लेकिन कई नेताओं ने आने में असमर्थता जाहिर की थी, जिसे ध्यान में रखते हुए बैठक रद्द कर दी गई थी। इसके बाद अब दिल्ली में बैठक बुलाने का फैसला किया गया है। 27 विपक्षी दलों के बड़े नेताओं ने इंडिया गठबंधन की बैठक में ईवीएम के मुद्दे पर भी चर्चा की। विपक्ष लंबे समय से चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर अपनी आवाज उठाता रहा है। एबीपी न्यूज को सूत्रों ने जानकारी दी है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में संसद से विपक्षी सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर चर्चा हुई और इसकी निंदा की गई। जानकारी के अनुसार कल सुबह 9:30 बजे कांग्रेस संसदीय दल की बैठक बुलाई गई। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने इंडिया गठबंधन की बैठक पर निशाना साधते हुए कहा, एक ओर मोदी की गारंटी का विजन और मिशन है, दूसरी ओर हमेशा एक दूसरे से लड़ने वाले लोग हैं जो आज एक दूसरे का हाथ पकड़े हैं और अपनी पार्टियों को एक साथ ला रहे हैं। उनकी पार्टियां साथ आ गई है लेकिन उनके दिल नहीं मिले हैं। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। एक दिन पहले यानी 18 दिसंबर की शाम को ममता ने आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल से भी शिष्टाचार भेंट की थी। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले बिहार के सीएम और जेडीयू नेता नीतीश कुमार से पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर सवाल पूछा गया। इसे लेकर उन्होंने कहा, मुझे पीएम पद का उम्मीदवार नहीं बनना है। इंडिया गठबंधन की बैठक में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ इंडिया गठबंधन की बैठक में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल हुए। आम आदमी पार्टी चीफ और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन की मीटिंग में जाने से पहले कहा था कि सीट शेयरिंग पर बात होगी और मुझे उम्मीद है कि मीटिंग बहुत अच्छी होगी। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में शामिल होने के लिए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली नहीं पहुंचे हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग में जुड़े। दिल्ली के अशोका होटल में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए विपक्षी दलों के ये नेता पहुंचे। टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिमी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल, डीएमके नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, एनसीपी चीफ शरद पवार और आरएलडी नेता जयंत चौधरी मीटिंग स्थल पर पहुंचे। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर? जय हिंद, जय भारत।